तो गाइस मेरा नाम है सबुज, आप देख रहे हैं सबुज माया यूट्यूब चैनल। तुम्हारा मारा भालाबाशा सबुज भालाबाशा। दोस्तों आज मैं एक से एक टॉपिक के साथ बात करना चाहता हूँ, घर की। जो घर में जो लोग गांव में रहते हैं, जो शहर में रहते हैं, उन लोगों के इम्पॉसिबल है, पॉसिबल कर सकते हैं। बिल्डिंग के छत के ऊपर, नीचे, किसी भी एक जगह पर रख सकते हैं। जैसे कि जो मैं बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ आज इस ब्लॉग में, मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल कुछ बात करना चाहता हूँ। जो लोग घर में रहते हैं उन लोगों के स्पेशल वीडियो इस वीडियो का, कि घर में कुछ ना कुछ, जैसे कि मुर्गी कहे, हाँस कहे, गाय कहे, कुछ ना कुछ एक दो घर में पाल सकते हैं। ठीक है, पालने के क्या होता है कि आप लोग घर में जो लोग अंडा खाते हैं, ठीक है, और दूध पीते हैं, तो उन लोगों के लिए एकदम फेवरेट, एकदम स्पेशल मिल जाएगा उन लोगों के लिए। कोई भेसल, कोई डुप्लीकेट नहीं है। जैसे कि देसी मुर्गी हो सकता है, देसी हाँस हो सकता है, गाय हो सकता है, ठीक है, घर में रख के पालन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी घर पे हूँ, मतलब हमारे गांव में घर में घर है, तो इसलिए मैंने हमारे घर पे मुर्गी लाया हूँ। मुर्गी है घर पे, गाय है, तो अपना दूध जो रहता है, जो एकदम प्योर दूध मिलता है, ठीक है। अगर किसी जगह से खरीद के लेके आओगी तो पानी मिला के दूध देता है तो अच्छा नहीं होता है। दुकान से भी अंडा लेके आओगी तो ब्रॉयलर का अंडा होता है, वो अच्छा नहीं लगता है, उतना टेस्ट नहीं होता है। तो घर में अगर देसी मुर्गी होगा तो उसका टेस्ट अलग होता है। तो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि घर पर हमारे घर पर कितना मुर्गी है, गाय है, क्या नहीं है, ठीक है। चलो, मुर्गी जहाँ पर रखा है वहाँ पर मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। तो बारिश भी हो रहा है, बारिश होने लगा है, ठीक है, तो बारिश हो रही है। मौसम बहुत ही बुरा है आज, क्या है ना, बादल छाया हुआ है आसमान में, तो बारिश हो रही है। देख सकते हैं मैंने किस तरह से मुर्गी को रखा है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं 5 मुर्गी है, ठीक है, 1 2 3 4 5, इस तरह से आप लोग पूरा घर के एक साइड में एक मुर्गी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मुर्गा है, ठीक है, वहाँ पे 5 मुर्गी है, यहाँ पे एक मुर्गा है, ताकि मैंने ये नया लाया हूँ घर पे, तो इसको बांध के रखा, नहीं तो बाहर में चला जाएगा। तो बाहर में बारिश हो रही है तो इसलिए घर के ऊपर बरामदा में रखा है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं अभी दिखा रहा हूँ हमारे घर में गाय कितना है और क्या है, ठीक है, गाय के वहाँ पर लेके चलते हैं। ऐसा घर पे गाय, मुर्गी, हाँस कोई भी आप घर में पाल सकते हैं, ताकि घर में आप लोग पे अच्छा सा एक बाहर में फेंक देते हैं तो वो खाना आप लोग मुर्गी को खिला सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। तो हमारे घर पे जो गाय है, नया नया बच्चा हो चुका है, देखो ये जो देख सकते हैं, ये छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारी सी है, ठीक है, अगले शुक्रवार को हुआ था, मैंने इसके नाम रखा शुक्रू, ठीक है। ये हमारी जो गाय है, ठीक है, ये मैंने इसको मोना करके बुलाता हूँ, मोना, और इसके शुक्रू नाम है, ठीक है। शुक्रवार को दिन हुआ था तो इसको लगा कर रखा है कि ताकि दूध पी ना सके, हम इसको दूध निकाल लेंगे गाय से काम के, उसके बाद इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं, तो शायद आप लोगों को घर पे भी गाय होगा एक दो, जो लोग गांव में रहते हैं, ठीक है, स्पेशली तो उन लोगों के लिए बस इतना वीडियो है कि आप लोग घर में पाल सकते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। देखो बच्चे कितना प्यारी है, ठीक है, माँ उससे बच्चे को प्यार करता है, इंसान से हाथों से प्यार करता है, और बच्चे गाँव के गाय के बच्चे को अपने जिह्वा से, मुँह से प्यार करता है, ठीक है। तो अच्छा लगता है, ऐसा रखना चाहिए घर पे, देखो कितना प्यार करता है इसको, बहुत बढ़िया है, ठीक है। मेरी प्यारी सी मोन शुक्रू है, ठीक है,
ब्लॉग में इतना ही। आप लोगों को वीडियो ब्लॉग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आप नए चैनल में नया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, और नया नया यूट्यूबर है तो आप लोग हैशटैग सबूज में लगा के वीडियो अपलोड कर सकती हो, क्योंकि मैं हैशटैग सबूज में सर्च करके आप लोगों का वीडियो मेरे पास आ जाएगी। वीडियो को लाइक कमेंट वॉच मैं करेगी, आप भी ऐसा कर सकते हो। हैशटैग सबूज लगा वीडियो अपलोड करो और हैशटैग सबूज मैं को सर्च करो और आपकी वीडियो मेरी वीडियो और अदर्स लोगों की वीडियो आपके पास आ जाएगी। तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सबको सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, इस वीडियो में इतना ही। लव यू दोस्तों, तुम्हारा भलोबाशा सबूज भलोबाशा, टाटा।